में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है, जहां आज दुर्गा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। बता दें कि जहां भक्त पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं, तो वहीं कई अंबाला जिले में कालीबाड़ी मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ जो भी भक्त अपनी मन्नत मांगता है उसकी हर मनोकामना माता पूरी करती हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है, हम मंदिर में पूजा करने आए हैं। घर पे कंजकों का पूजन करते हैं, रखा अखंड ज्योत जलाई है, हर रोज सुबह माता की दुर्गा शक्ति का पाठ किया है। अंबाला में जो ये कालीबाड़ी मंदिर है, काली माता के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत ही मानता है, यहाँ माना जाता है कि यहाँ माथा टेकने से इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे ही हमारे अंबाला में हाथीखाना मंदिर है, वहाँ नौ दुर्गा नवमी का और अष्टमी का दिन होता है। इस दिन माता की साक्षात जो कंजकों की पूजा की जाती है, नौ दुर्गा में नौ दिन कंजकों की पूजा की जाती है। आज अष्टमी है, जो कि इसमें एक महत्व रखती है कि कई लोग इसमें व्रत उपवास रखते हैं, नवरात्रि पूरे करने से अष्टमी, उनमें से कई आज के दिन अपना उद्यापन पूरा करते हैं। तो आज वो अपने घर में कढ़ाई करते हैं और फिर कंजक करते हैं, मंदिर पूजन अर्चना करते हैं और कन्याओं को भोजन या जो भी है अर्पित करते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे आपको सोनीपत लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? आज जो है नवरात्रि का आठवां दिन है, यानी अष्टमी के रूप में विशेष तौर पर लोग श्रद्धालु इसे मनाते हुए दिखाई देते हैं। आज के दिन महागौरी की पूजा होती है, जिनका वाहन बैल होता है। किस तरीके से धूम देखने को मिल रही है? आचार्य है, पंडित है, जाके जो आसपास का एक ही मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में मजदूर और आसपास के जो लोग हैं वो मत्था टेकने आते हैं। आज आठ दिन पूरे हो चुके हैं, हर रोज यहाँ पर आपके पास श्रद्धालु आते हैं। आज कुछ लोगों ने आठ दिन पूरे माता को प्रसन्न किया है और कल नवमी है तो कल भी कुछ लोग हैं उसकी पूजा पाठ करेंगे। इसका महत्व क्या है आज का और कल? बुराइयों को अच्छाइयों को विजय करना, बुराइयों को अच्छाइयों को विजय करना हमारा मतलब है, हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि हम सबको सब कुछ सही रहे, बुराई ना रहे, बुराई से हम अलग अलग दिखाए, अलग अलग पूजा करें। इसे हम आप लोगों की हम आपकी पूजा करते हैं, आपके शरण में है, हम शरण में है, हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आपके पास आसपास के लोग आते हैं, काफी अलग अलग स्टेट के लोग हैं, एक है, यही मंदिर है जो आसपास का बाजार में मंदिर है। आज खाली मंदिर है, मंदिर है यहाँ, ये सबसे बड़ा मंदिर है। करीब करीब जितने लोग आसपास के लोग हैं सब आते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, अब जाते हैं। तो आज जैसे काफी लोगों ने पूजा की है और कल भी करेंगे, तो इसका महत्व क्या है आज का और कल का? बुराइयों का अच्छाइयों को विजय करना हमारा मकसद है, हमारा मतलब है। बुराइयों का निरस्त करना है हमारा मकसद है, हम बुराइयों की निंदा करते हैं। लाजपत, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो जरा इनसे पूछिए कि किस तरीके से लोगों में जो है आज धूम देखने को मिल रही है, लोग किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे, किस विधि विधान के तहत जो है पूजा अर्चना की गई? आज जैसे अठमी है और कल नवमी है, तो कैसे लोगों की पूजा होती है, किस तरीके से उनको जागरूक करना चाहते हैं, कैसे कन्याओं को जमाना चाहिए, कैसे क्या कुछ करना? पहले जिन्हें पूजा चालू रखा था, प्रथम सहपुत्री जा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रखंडे, पांडे जो हम पंचम माते थे, आश्रम का दिन जा सप्तम का रहते महागौरी आश्रम। आज महागौरी आश्रम का पूजा हो रहा है और कल है नवमी, शिव यात्री का पूजा होगी और हमारे ये आचार्य है जिन्होंने बताया कि 9 दिन जो है माता के अलग अलग दिन होते हैं, सभी माताओं का अलग अलग दिन होता है। आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं, आज भी कुछ लोगों ने अपने व्रत खोले हैं, कल नवमी है, कल भी कुछ लोग व्रत खोलेंगे और सभी अपने अपने घर पर कन्या को माता के रूप में देखते हैं। आसपास की जो कन्या होती है उनको बुलाया जाता है और उनको घर पर पूरी पूजा पाठ होती है। जी,
लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोग जो हैं 9 दिन तक जो है व्रत रखकर जो है उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मनोवांछित जो फल होता है, कामनाएं होती हैं, वो लोगों की पूर्ण यहाँ पर माता रानी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आज के दिन अगर देखा जाए तो महागौरी की पूजा होती है और ऐसे में महागौरी का वाहन जो है बैल होता है, शस्त्र की अगर बात करें तो हाथ में त्रिशूल होता है। तो ऐसे में उन वहां पर अगर क्षेत्र में देखा जाए तो आपके जहां पर धरातल पर आप खड़े हैं तो वहां लोगों का तांता किस तरीके से उमड़ा हुआ है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर खुला है और बाजार का मुख्य मंदिर है, लेकिन अभी जी देश से जैसे कोरोना नहीं गया है तो लोगों के अंदर एक डर जरूर बना हुआ है, इसलिए इक्का दुक्का जो लोग हैं वो पूजा पाठ के लिए आते हैं और मंदिर में अपनी आस्था को आचार्य के पास बैठकर अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर जो भगवान का नाम लेकर माता का नाम लेकर अपने अपने घर वापिस चला जाते हैं और फिर सुबह से शाम तक इक्का दुक्का लोग आते हैं, क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी की वजह से अपने घर पर भी रहते हैं, मंदिर में भी पूजा पाठ लगातार जारी है और लगातार कल जो है वो नवमी का दिन। लाजपत, अगर व्रत खोलने की अगर विधि का अगर यहाँ पर विवरण देखें, किस तरीके से व्रत जो है लोग और श्रद्धालु जो भक्त हैं जिन्होंने व्रत रखा था आस्था से जो है वो किस तरीके से खोल सकते हैं, जरा अगर आचार्य जी बता सकें, पंडित बता सकें। कैसे व्रत खोला जाए, कैसे इसकी विधि हो जाए? उद्यापन का होता है और पूजा का जो होता है खोलने का समय होता है, उसके हिसाब से व्रत को खोला जाता है, उसके बाद माता की पूजा किया जाता है, माता की पूजा करने के बाद सारे माताओं के कन्या को पूजन करते हैं, कन्या के फल होते हैं उनकी पूजा करते हैं और उनके शरण में बने रहते हैं, हम माता मानते हैं, माता के शरण में बने रहते हैं और माता हमें रक्षा करती है हमारा मानना। कन्या जो होती है वो भगवान का रूप होती है, क्योंकि उसको संकल्पट नहीं आती, संकल्पट करना जब बच्चा सीख जाता है तो वो कन्या के रूप में जो है, कन्या जो संकल्पट करना नहीं जानती उनको पूजा जाता है और वह सच्ची सच्ची आत्मा से जिन कन्याओं को पूजा जाता है उनको माता के रूप में देखा जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन